आज हम लोग के साथ है स्नेहाशीष, जो इस शोरूम का मैनेजर है, वो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा ईवी के बारे में, जॉय ई बाइक के बारे में, क्यों जॉय ई बाइक अच्छा है अदर्स ई बाइक ई व्हीकल से। हेलो स्नेहाशीष सर, हाउ यू? हेलो। ओके, तो सर हम लोग को जरा एक्सप्लेन कीजिए कि ये बाइक क्यों अच्छा है अदर्स ई व्हीकल्स बाइक से, क्योंकि मार्केट में भी बहुत सारा बाइक निकल गया। वो तो सही बात है, ये ई व्हीकल्स बहुत सारे कंपनी है, मगर जॉय बाइक जो है वो बहुत पुराना कंपनी है और इसका रेपुटेशन जो है, इसका स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी सब कुछ सबसे बढ़िया है मार्केट में, इसीलिए ये कंपनी सबसे ज़्यादा बिकता है। अच्छा, अब इसका सेल सर्विस देखो, बाइक तो सब कोई बेचता है, बहुत सारा कंपनी है जो बाइक बेचता है, लेकिन आपका सेल सर्विस इसको कैसे आप लोग जस्टिफाई करते हो जो कस्टमर और इंटरेस्ट लेगा आपका बाइक लेने में? तो सही बात है, एक्चुअली हम लोगों का जो सर्विस होता है वो तीन ठो सर्विस रहता है, तीन ठो फ्री सर्विस है। पहला तीन ठो फ्री सर्विस, आपका वॉशिंग क्वालिटी देखना पड़ता है, बैटरी कितना है, आपका सब कुछ चेकअप होता है। पहला तीन ठो फ्री सर्विस रहता है, उसके बाद पेड सर्विस चालू हो जाता है। ठीक है, एक बार बैटरी को आप रिमूव करके दिखा सकते हो, इसको कैसे रिमूव किया जाएगा? मान के चलिए कि मेरा चार्जिंग घर में है और हम मेरा बाइक जो है पार्क नीचे में है, तो उस सिनेरियो में हम कैसे बैटरी को रिमूव करके इसको चार्ज कर सकते हैं? इसको कंपनी ऐसा बनाया है कि जैसे मान लीजिए आपका पार्किंग नीचे है, मगर वहाँ पर आपका चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसका डिटेचेबल ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप पोर्टेबल है, यहाँ पर एनसीबी दिया हुआ है, एनसीबी को पहले ऑफ कर दीजिए। एनसीबी तक गिराने के बाद आपको ये निकालना पड़ेगा और इजी आप बैटरी इसको निकाल दें, फिर घर पे जहाँ पर भी जाके इसको चार्ज लगा दें। इसका चार्जिंग का सॉकेट कहाँ पर है? सॉकेट गाड़ी के ये वाला सॉकेट पे चार्ज होता है, राइट? यहाँ पर चार्ज होता है। ओके, कोई भी 5 पिन सॉकेट में आप चार्ज दे सकते हैं। ओके, और ये बाइक का टॉप स्पीड क्या माना जाता है, एक बार आप ये बताइए? टॉप स्पीड आपका 40 अबव स्पीड होता है। ठीक है, तो मान लीजिए वो 46-47 तक आ जाता है। अच्छा, तो और कितना टाइम पे फुल चार्ज हो जाता है ये बाइक? फुल चार्ज होने में आपका 3-3.5 घंटा टाइम लग जाता है। ओके, 3-3.5 घंटे में फुल 100 होने तक। ओके, 0-100 होने तक 3-4 घंटे का टाइम लगता है, और उसके बाद आपका कितना किलोमीटर तक ये माइलेज देगा आपको? वो आपका 60-65 किलोमीटर। ओके, इसको स्टार्ट फंक्शन का बारे में थोड़ा सा हम लोग को बताइए और क्या कुछ कंसोल में फीचर्स दिया जाता है? नॉर्मली जैसे आपका स्कूटी का होता है वैसे ही आपका चाबी सिस्टम है, लॉक ओपन करने से आपका डिस्प्ले ओपन हो जाएगा, उसके बाद रेडी टू स्टार्ट। ओके, मतलब ये गाड़ी अभी स्टार्ट हो गया, इसको आप एक्सेलेरेशन देंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मोड का फंक्शन दिखाया जा रहा है? हाँ, मोड में आपका तीन ठो ऑप्शन दिया है, जैसे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। ओके, ठीक है, ये अभी एक में दे दिया, ये डिस्प्ले में आपका दिखाएगा फर्स्ट गियर। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट गियर का टॉप स्पीड है। ओके, 29 तक फर्स्ट गियर तक जाता है, राइट? हाँ। ओके, उसके बाद हम सेकंड गियर में दे रहे, सेकंड गियर, सेकेंड गियर में 39 तक स्पीड जाता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड गियर, थर्ड गियर ये 48 दिख रहा है, मगर ये जब रोड पे चलता है ना, लोड होता है इसके ऊपर, तो ये आपका 47-46 तक आ जाता है। ओके, और यहाँ पर आपका वोल्ट का फंक्शन दिख रहा है 63.2, ये क्या फंक्शन है? वो आपका बैटरी का वोल्ट कितना वोल्ट है वो दिखाता है। अच्छा, तो टोटल बैटरी कितना वोल्ट का आता है? वो आपका 60 वोल्ट का आता है। तो 60 वोल्ट का आता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसीलिए दिखा रहा है। अच्छा, और जब जितना कम होता जाएगा उतना धीरे धीरे कम होता जाएगा। बैटरी का बार यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और किलोमीटर का जो है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, अच्छा, इसका जो मेन फीचर्स है, दोनों टायर आपका ट्यूबलेस होता है और साथ में दोनों टायर में आपको डिस्क मिलता है, राइट? तो अगर डिस्क का ये जो पार्ट है ये चेंज कैसे होता है? ये आप कंपनी का जो सिस्टम है या अलग से आप चेंज भी कर सकते हैं, मगर अगर डिस्क ऑयल अगर ख़त्म हो जाता है तो आप यहाँ पर डिस्क ऑयल भी अलग से भर सकते हैं। ये नॉर्मल बाइक में जो डिस्क ऑयल लगता है वही ऑयल? एकदम सेम वही काम करेगा, राइट? डिस्क का जो सेम सिस्टम है यही सिस्टम है। तो इसका जो एडवांटेज वाला एक फीचर्स है जो बहुत अच्छा फीचर्स मेरे हिसाब से लगा वो है कीलेस एंट्री। एक बार हम लोग देखेंगे इसका कीलेस कैसे काम करते हैं। यहाँ पर आप एक बार दिखाओ, कैमरामैन एक बार आप दिखाओ, वहाँ पर चाबी अभी इंसर्ट नहीं है, स्कूटी में अभी चाबी इंसर्ट नहीं है, लेकिन हम लोग के पास अभी कीलेस वाला चीज़ है, तो उससे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये होता है। देखिए यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली बाइक स्कूटी तो है स्टार्ट हो गया, यहाँ पर कंसोल में डेटा आ गया, फिर इसको अगर स्टार्ट करते तो कैसे स्टार्ट होगा? ये रेडी टू स्टार्ट चालू हो गया। ओके, तो मतलब ये चीज़ आप पॉकेट में रख के भी विदाउट की आप इसको लेके जा सकते हैं। इसको अगर ऑफ करना है तो कैसे ऑफ होता है? तो यहाँ पर जो बटन है ऊपर वाला,
ओके कैंसिल कर देने से बंद हो गया। अच्छा कैंसिल करने से पूरा जो है स्कूटी बंद हो गया। ओके एंटी लॉक सिस्टम अलार्म सब कुछ दिया हुआ। ओके नेक्स्ट एंटी लॉक वाला सिस्टम है जो बहुत अच्छा है, कहीं पे अगर रखते हो तो वो चीज़ अगर मतलब स्टोलिन अगर होता है कोई अगर इसको लेके मतलब चोरी करने का कोशिश करता है उस टाइम पे एंटी लॉक सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा आई गेस। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे काम किया जाता है। तो ये अभी एंटी लॉक हो गया राइट। तो इसको अगर हम लोग टच करते हैं तो ये साइलेंट बजने लगा राइट। कहीं पे भी अगर वाइब्रेट होता है तो ये साइलेंट बजने लगेगा। तो ये अभी बंद हो गया। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स लगा बेसिकली देखने के लिए। ये सारा स्कूटी में अवेलेबल है, मॉडल में अवेलेबल है। ओके थैंक यू स्नेहाशीष दा अच्छे से हम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। और बाकी डिटेल्स अगर इसका ईएमआई के ऊपर हम लोग जाए तो ईएमआई का क्या प्रोसेस रहता है? ईएमआई बजाज से हो जाएगा, कोटक महिंद्रा से हो जाता है। अच्छा तो उसका अलग अलग सिस्टम वो लोग जो फाइनेंस वाला है वो लोग बता सकते। अच्छा तो इसका जैसे कि रेट हम लोग को पता चला 80,000 है, ये क्या सिर्फ कोलकाता के लिए है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेम ही रेट? नहीं ये कोलकाता के लिए, ये कोलकाता के लिए है। ओके अगर इसका प्राइस 80,000 होता तो कितना हम लोग को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? मिनिमम आपका 23-25,000 आपका डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ओके ओके थैंक यू स्नेहाशीष अच्छे से हम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए।